डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के अंदर जो जूनियर डॉक्टर्स आते हैं यहाँ, ANM आती हैं, एक सीनियर जो 17-18 साल नौकरी करती हैं वहाँ, उनका शोषण हो रहा है कि जूनियर आके उन पर अपना एक अधिकार ऑर्डर चलाते हैं और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम आशा है सर, मैं डॉट से हूँ। टीबी की दवाइयाँ देना, जांच करना, ये हमारा काम है। हमें करते हुए कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, 20 साल बिल्कुल हो चुके हैं हमारे। और हम बलगम की जांच करते हैं, बलगम की जांच, बलगम कोई देखना तक पसंद नहीं करता, उसकी जांच हम लोग करते हैं। लेकिन परमानेंट से ज़्यादा काम करते हैं, परमानेंट तो हमें देखते भी नहीं है कि डॉट्स में है, टीबी का काम कर रहे हैं, हमें टीबी लग जाएगी, इनके पास रहेंगे, फिर भी हम कर रहे हैं। हमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या हमें सेम वक्त सेम पे लेने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे घर में बच्चे नहीं है? हमें टीबी होने का खतरा नहीं है, फिर भी हम रिस्क लेते हैं, टीबी के मरीजों को दवाई देते हैं, 6 महीने तक हमको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कोई नहीं करेगा टीबी के मरीज को, डॉक्टर भी ये कहेगा मुंह पे कपड़ा लगा के हमारे रूम में घुसना या हमारे यहाँ पे आना ही मत, लेकिन हम करते हैं। हमारे यहाँ पे कपड़ा भी नहीं लगा के आते, जाँच हम करते हैं, बलगम की डब्बी हम खोलते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। क्या हम सेम वक्त सेम पे लेने का अधिकार नहीं है हमें? हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम का अधिकार चाहिए, हमें काम जो कर रहे हैं उसकी सैलरी चाहिए पूरी, बस, और हमारा कोई वो नहीं है। सरकार क्या आश्वासन दे रही है आपको? आप यहाँ 18 तारीख से बैठे हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकार कह रही है 10% ले लो, 5% ले लो, 2% ले लो, तुम खड़े हो जाओ, या कभी डरा रही है हमें कि हम आपको निकाल देंगे यहाँ से अगर आप बैठे रहे तो, फिर भी तो आप वैसे घूमोगे। तो सर एक बात बताइए, 20 दिन से अब मैं यहाँ पे हो गए, 15 दिन हो गए हैं, अभी भी तो काम सफ़र हो रहा है। हम नहीं काम सफ़र कराना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे मरीज परेशान हो, लेकिन ये सरकार करा रही है। हमें आश्वासन भी नहीं देना चाहती कि हम आपका कर देंगे भी नहीं बोल रही है। हम जनवरी में बैठे थे तब उन्होंने कहा था कि आपका 31 मार्च तक हो जाएगा, उसके बाद चाहे आप 1 अप्रैल से बैठ जाइएगा। हम 1 अप्रैल से नहीं बैठे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमने इंतज़ार किया, हम सितंबर से बैठे हैं यहाँ पे, उसके बाद भी सरकार का हमारी तरफ कोई पॉजिटिव वे नहीं लग रहा है हमें कि हमारी तरफ सुन रही है वो या कर रही है कुछ, कोई पॉजिटिव वे नहीं लग रहा। तो मैडम आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है, सरकार से सेम वर्क सेम पे, हमें उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, और जब तक हमें नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। तो आपको सेम वर्क और सेम वर्क पे आप पैसा लेना चाहती हैं, तो आप गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर रही है? नहीं कर रही, हम भी बैठे हैं, हम लोग भी नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक, क्योंकि हमारा 3000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 3000 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें सेम वर्क नहीं मिलता। अगर सरकार नहीं सुनती तो उसके बाद हमें और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ये मैडम एक सामाजिक होने के नाते, एक डॉक्टर सामाजिक होते हैं, ANM सामाजिक होते हैं, जो आज जो वहाँ के जो पेशेंट हैं, जो आपके पेशेंट हैं, उनका हाल कैसा हो रहा होगा? देखिए हम लोग तो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। जो हमारे MDR के पेशेंट है, ड्रग रेजिस्टेंट, वो एक पेशेंट 10 लोगों में बीमारियाँ फैला रहा है डेली, उस पेशेंट को डेली दवाई खानी होती है, डेली इंजेक्शन। लेकिन जब सरकार को ही लोगों की नहीं है चिंता, सरकार अगर हमारी मांग सुन ले, हमें कोई शौक थोड़ी ना यहाँ आके सड़क पे बैठे हैं, हम लोग भी मजबूर होके बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें पूरी सिंपैथी है पेशेंट से और हम लोग भी काम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक सरकार हमारे अधिकार हमें नहीं देती, हम लोग 20 साल से जूझ रहे हैं, अब हम अपना अधिकार लेके ही उठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे।